पिछले 3 4 दिन से जो हम लगे हुए हैं कि भाई कैसे किन हालातों में विराट कोहली ने छोड़ा, इंडियन क्रिकेट का क्या हाल हो गया है, अब आगे क्या होगा, बट एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है, ओडीआई सीरीज है, क्योंकि अब आपका ये व्हाइट बॉल क्रिकेट अगले जो 2 साल होंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए आपके हिंदुस्तान के लिए इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और रोहित शर्मा अभी आपके डेजिग्नेटेड कैप्टन है, पर केएल राहुल जो हैं स्टैंड इन स्किपर, उनका भी एक ये ऑडिशन होगा आज, उन्होंने देखिए एक हालांकि कोई भी अगर पूछेगा कि यार कप्तान आपको बनना है कोई मना तो नहीं करेगा, बट उन्होंने जिस हिसाब से जितनी जो उन्होंने प्रोएक्टिवनेस दिखाई है आज, एज ए वो बोल रहे यार आने दो ना प्लीज आने दो, मतलब वो ही इज रिलिशिंग दिस कल जसप्रीत अपॉर्चुनिटी, बुमराह कह रहे थे कि भाई चाहता कोई नहीं है, लेकिन ना भी कोई नहीं चाहता, मतलब एवरीबॉडी वांट्स। आज राहुल ने भी कह दिया, बट आई थिंक ये डिबेट चलता ही रहेगा। और आई थिंक राहुल कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के जहन में चल रहा होगा, क्या मैं कंटेंडर हूं, क्या मैं कंटेंडर हूं, क्या मैं कंटेंडर हूं। बिकॉज आपने 7 नाम गिनाए थे, आपको याद है, तो जी, हर कोई सोच तो रहा ही होगा ना कि बट शायद मेरी एक शायद वो मैम रिक्वेस्ट फिर है, मेरी एक से। रिक्वेस्ट है कि जो भी नाम हैं जो चल रहे हैं कप्तानी के लिहाज से उस दौड़ में, हर एक को ना, जैसे कल आपने जसप्रीत बुमराह को अपॉर्चुनिटी दी थी, आज केएल राहुल को अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे लगता है प्रेस कि अब कॉन्फ्रेंस ऋषभ पंत को भी देनी चाहिए अगले मैच में या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, नहीं अरे वाजिब है, आप अपना अपने स्टेक्स तो बताइए, आप बताइए कि आप क्या लेकर आ रहे हैं, ब्लेस यू, तो ये है कि आप भाई हर किसी को अपनी दावेदारी पेशकश करने की, मतलब पेश करने की पूरी पूरी आज़ादी होनी चाहिए, भाई आप कोच अपॉइंट करते हैं, प्रेजेंटेशन तो होती है ना, नहीं तो रविचंद्रन अश्विन क्यों पीछे रह जाए? तो उनको भी भेजिए, मैं तो बोल रहा हूँ सबको भेजिए, सबको भेजिए एक एक नहीं, और बार पर, देखिए एक फ्रेंचाइजी के ओनर हैं, दिल्ली के ओनर हैं, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया कि आप बिल्कुल रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ और ऋषभ पंत को अश्विन वाइस और कैप्टन ऋषभ बनाओ। पंत, पर बताइए, उन्होंने कहा या देखिए, अश्विन को बना दो या ऋषभ पंत को बना पर दो, अच्छाई मतलब देखिए, पर हद ही हो अच्छाई गई यार, देखिए, हद ही हो गई अच्छाई लेकिन यार आप अच्छाई हद हो देखिए, गई, उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि कप्तान बनाइए, उन्होंने कहा वाइस कैप्टन बनाइए, नहीं, हद ही हो गई, मतलब इट्स अ फ्री फॉर ऑल नाउ। आई थिंक विराट के जाने से वो अचानक से हर किसी को वैक्यूम दिखना शुरू हो गया, हाँ भी मैं भी हूँ, हाँ भी मैं, इसीलिए मैंने डे वन कहा था, मैंने कहा भारत का वनडे में T20 में एक सक्सेशन प्लान था, लेकिन जी, टेस्ट क्रिकेट में आपका ना तो कोई सक्सेशन प्लान था और ना ही सिलेक्टर्स ने आज तक इस बात को लेकर सोचा भी था कि भाई कल को हो सकता है अगर हमें टेस्ट कप्तान बदलना पड़ जाए या कप्तान ना हो तो क्या करेंगे। आई थिंक सिलेक्टर्स के पास भी प्लान नहीं था।